मैं उषा फूड फॉर लाइफ किचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम किचन किंग मसाला बनाएंगे और हमारे किचन में किचन किंग मसाला बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये सारी सब्जियों में पड़ता है और सब्ज़ी का टेस्ट जो है दुगना कर देता है। चाहे सूखी सब्ज़ी हो या ग्रेवी वाली सब्ज़ी हो, जैसे मशरूम बनाना है, मटर मशरूम बनाना है, कढ़ाई पनीर बनाना है, पनीर भुर्जी बनाना है, भिंडी बनानी है या आलू गोभी बनाना है, कोई भी हम सब्जी बनाते हैं अगर, तो उसमें अगर एक चम्मच ये मसाला हम डाल देते हैं तो इसका स्वाद जो है दुगना हो जाता है और सब लोग बड़े चाव से इसे खाते हैं। तो चलिए हम देखते हैं इसमें हमने क्या क्या मसाले जो है यूज़ करे हुए हैं। ये देखिए सारे मसाले हमने किसी स्पून से नाप कर के लिया है। हमने 3 टेबल स्पून धनिया ली है, 1 टेबल स्पून सौंफ लिया, मोटी वाली सौंफ ली है, 2 टेबल स्पून चना दाल लिया है, थोड़ी सी हमने जो हाफ टीस्पून से भी कम काली मिर्च ली है, 4-5 लौंग ली है, जायफल का 1 टुकड़ा लिया है, छोटा सा 1 टुकड़ा लिया है, 1 बड़ी इलायची ली है, जावित्री ली है हमने और 4-5 हरी वाली इलायची ली है और बहुत थोड़ा सा हमने जो है ये दाना मेथी दाना लिया है, ये बहुत थोड़ा सा हम डाल दें क्योंकि नहीं तो मसाला कड़वा हो जाएगा। ये खसखस पाउडर लिया है, 2 टेबल स्पून हमने खसखस पाउडर लिया है, दालचीनी का 1 टुकड़ा लिया है, 4-5 हमने लाल मिर्च ली है, तेज़पत्ता 1 तेज़पत्ता लिया है, सरसों के दाने लिए हैं 1 चम्मच 1 बड़ा स्पून, जीरा लिया है 1 स्पून। अब इन सारे मसालों को हम जो है ड्राई रोस्ट करेंगे। ड्राई रोस्ट करने के बाद फिर हम जो है उसमें सारे सूखे मसाले मिलाएंगे और ये हमने होममेड अनियन पाउडर और गार्लिक पाउडर लिया है। अगर आप अनियन और गार्लिक यूज़ नहीं करते हैं तो आप इसको स्किप कर दीजिएगा। और बाकी हमने इसमें सूखे मसाले जो लिए हैं, इसमें काला नमक लिया है, सोंठ पाउडर पाउडर लिया है 1/2 टीस्पून, 1 टीस्पून भर करके हमने ड्राई मैंगो पाउडर लिया है, 1/2 टीस्पून हल्दी लिया है, नमक लिया है, सादा नमक लिया है और काला नमक लिया है और रेड लाल मिर्ची हमने ली है, देगी मिर्च है ये कलर वाली, इससे कलर बहुत अच्छा आता है। अब इन सभी जो है इन मसालों को ड्राई रोस्ट करने के बाद हम ये सब डाल करके फिर मिक्सी में इसको पीसेंगे। नमक हम इसलिए डालते हैं कि मसाले में जो मॉइस्चर होता है वो ख़त्म हो जाता है और इसमें मॉइस्चर नहीं आता है। ये देखिए पैन हमारा गर्म हो गया है, अब इसमें हम सारे मसाले डाल दे रहे हैं और इसे रोस्ट करेंगे। ये देखिए मसाले हमारे अच्छे से रोस्ट हो गए हैं। गैस का फ्लेम उन्हें बंद कर दिया क्योंकि पैन अभी गर्म है, तो थोड़ा और इसी की गर्मी में ये रोस्ट हो जाएगा और जब ठंडा हो जाएगा फिर हम इसको जो है मिक्सर ग्राइंडर में सारे मसाले जैसे मसाले और ये सब डाल करके इसको जो है ग्राइंड कर देंगे, इसका अच्छा एक फाइन सा पाउडर बना लेंगे। और मैं एक बात आपसे कहना चाहती हूँ कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अब ये ठंडा हो जाएगा फिर हम इसको पीसते हैं। ये देखिए मसाला हमारा पीस के बिल्कुल तैयार हो गया है और बहुत अच्छे से खुशबू आ रही है इसमें और कलर भी बहुत अच्छा आया है इसका। हम इसको आपको बाउल में निकाल करके दिखाते हैं।